टाकुली ऑटो टॉक्स की एक और नई वीडियो में दोस्तों आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो जो रहेगी अशोक लेलैंड के जो ये पिकअप देख रहे हैं ये है i2 LS, मतलब पावर स्टीयरिंग वाला है, AC नॉन AC वाला जो है दोनों वेरिएंट में आप ले सकते हैं इसे। तो इसकी भी जो है कमेंट सेक्शन में एक डिमांड आई थी कि इसका वीडियो बनाओ, तो आज हम लेके आ गए इसका वीडियो। और कलर भी बड़ा मतलब यूनिक सा, जो कि पिकअप जो कॉमर्शियल व्हीकल रहते हैं ना ज़्यादातर आपने वाइट कलर में ही देखे होंगे, इस कलर में बहुत रेयरली देखने को मिलता है। ज़्यादातर ये कारों में आता है ऐसा कलर, लेकिन अशोक लेलैंड के इस पिकअप में भी ये कलर आपको देखने को मिलता है। तो फटाफट से बात करते हैं क्या इसकी एक शोरूम रहती है, क्या उत्तराखंड के हिसाब से इसकी ऑन रोड प्राइस देखने को मिलेगी, क्या पेलोड है, क्या पावर, क्या टॉर्क आप और इसमें आपको माइलेज क्या मिलेगा। तो फटाफट से बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं प्राइसिंग की बात कर दूं तो एक शोरूम जो इसकी लगभग जो रहती है अगर बात करी जाए 8,75,000 रुपये के जो है लमसम इसकी एक शोरूम जो है आपको देखने को मिलेगी। और ऑन रोड जाते जाते जो है ये आपका जो है 9,10,000 का देखने को मिल सकता है। बाकी एग्जैक्ट क्या फाइनेंस और क्या जो है जो भी नॉर्मल इसके चार्जेस रहते हैं ऑन रोड पे, वो अगर आप जानना चाहते हैं उत्तराखंड के हिसाब से तो नीचे नंबर दिए गए हैं, वहाँ से आप जो है पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, डायमेंशन अच्छी खासी है, फ्रंट में आपको बड़ी सी विंड स्क्रीन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। थोड़ा सा जो है स्लोपी सा डिज़ाइन इसका रहता है जो कि काफ़ी अच्छा है, एरोडायनेमिक टाइप का थोड़ा सा बनाने की जो इसे डिज़ाइन करने की कोशिश करी गई है। इसमें जो है बड़ा दोस्त में आपको ये i2 देख रहे हैं, i3 भी आता है और इसका i4 भी आता है, अलग अलग लोडिंग कैपेसिटी है। उस हिसाब से i4 लेंगे तो उसमें 1860 kg की जो है पेलोड आ जाती है, वो थोड़ा महंगा रहता है। फिर अगर आप i2 लेंगे ना, इसमें जो है आपको पेलोड कैपेसिटी काफ़ी अच्छी मिलती है। अभी पीछे की ओर जाएंगे तब बात करेंगे हम पेलोड की। वाइपर आप देख रहे हैं, वाइपर आपको दो मिलेंगे इसमें, इसी में जो है वॉशर यूनिट आपको जो है इनबिल्ट मिलेगी, इसी से जो है आप इसमें पानी भी जो है इसमें आराम से आपका विंड स्क्रीन पे जो है चले जाता है। अब जैसे आप यहाँ नीचे देखेंगे तो नीचे अशोक लेलैंड की आपको जो है यहाँ पर इस तरीके से जो है आपको बैजिंग मिल जाती है 3D में, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। अशोक लेलैंड का आपको जो है यहाँ पर बैज देखने को मिल रहा है। रिफ्लेक्टर्स टेप का यूज प्रॉपर आपको जो है फ्रंट में यहाँ पर दे दिया जाता है। जैसे आप लाइटें देखते हैं, लाइटें सबसे प्यारी लगी यार इसकी मेरे को, देखो हेलोजन में आपको यहाँ पर जो है हेडलैम्प देखने को मिल रही है, लेकिन ये देखिए ये ऑरेंज कलर में कितने सही लग रहे हैं, ये इसके जो है इंडिकेटर्स रहेंगे। तो फ्रंट से लाइटें बहुत ही अच्छी जो है प्रीमियम सी देखने को मिलती हैं। और फ्रंट की जो लाइटें हैं ना दोस्तों, ये रात में जलती हुई ना एक तरीके से जो बिल्ली की आंखें होती है ना, कैट आई वाला जो है एकदम डिज़ाइन देखने को मिलता है। थोड़ा बहुत आपको लग भी रहा होगा अगर आप देख रहे हैं, थोड़ा सा बिल्ली वाला कैट की आईज जो है जैसी रहती हैं वैसा वाला डिज़ाइन, तो ऐसा कुछ रहता है इसका। नीचे जैसी आते हैं तो नीचे अगर आप इसमें फॉग लैंप्स लगवाना चाहें लगवा सकते हैं अपने जो है बीम थ्रो के हिसाब से। यहाँ पर रिफ्लेक्टर्स भी आपको प्रॉपर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर ये ग्रिल दे रखी है कुछ अच्छे खासे जो है यहाँ पर पैटर्न में, जो कि काफ़ी प्रीमियम टाइप की लगती है। अब जैसे ही अब साइड प्रोफाइल की ओर चलते हैं, साइड प्रोफाइल की बात करते हैं फटाफट से। अगर मैं इसकी डायमेंशन की बात करता हूँ कि क्या इसका पूरा जो है साइज रहता है, तो ओवरऑल अगर बात करें लेंथ की तो 4818 mm की इसकी पूरी लेंथ देखने को मिलेगी पीछे से लेके आगे तक। चौड़ाई की बात करते हैं तो चौड़ाई जो इसकी रहती है लगभग जो है आपको काफ़ी अच्छी खासी जो है इसकी चौड़ाई अगर बात करूँ 1750 mm के आसपास इसकी चौड़ाई रहेगी। हाइट की बात करी जाए, हाइट भी काफ़ी अच्छी है, 2056 mm की इसकी हाइट रहती है। और व्हील बेस अगर बात करी जाए, व्हील बेस इसका जो है आपको जो है 2510 mm का देखने को मिल जाता है। अब साइड से आप देखेंगे तो यहाँ पर व्हील आर्चेस पे ये काफ़ी वाइड सी जो है बाहर को निकली हुई क्लैडिंग्स काफ़ी इसे जो है एक रगेड लुक दे देती हैं। अगर आप जो है साइड से देखें कुछ इस तरीके से ब्लू कलर में काफ़ी अच्छा लग रहा है। i2 LS की आपको जो यहाँ पर 3D बैजिंग मिल जाती है, इंडिकेटर भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। और देखिए बॉडी पैनल्स पे भी काफ़ी आपको जो है थोड़ी जो है कट क्रीजेज यहाँ पर देखने को मिल रही है। और एक और चीज़ बड़ी सही लगी यहाँ पर जो है ये एकदम जो डोर हैंडल है इसके आपको जो है डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा इस शेप में आपको जो है ओपन होते हुए देखने को मिलेगा। थोड़ी सी आवाज़ आएगी, रोड साइड में वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा मैनेज कर लेना आप। अब टायर साइज की बात करते हैं, C8 का यहाँ पर टायर है 195R15 प्रोफाइल का, स्टील रिम दिए गए हैं ऐसे जो है सिल्वर कलर के, फ्रंट में डिस्क रहेगी, रियर में ड्रम रहती है। और अब बात आती है जब सस्पेंशनों की, तो यहाँ पे जो है शॉक एब्जॉर्बर तो दिया ही है, साथ ही साथ जो है यहाँ पीछे देखेंगे ना इसमें फ्रंट में जो है 3 लीफ स्प्रिंग रहते हैं, वही कमानीदार पट्टे वाले सस्पेंशन, लेकिन जो थिकनेस है ना इनकी ये काफ़ी अच्छी खासी दी गई है। यहाँ से अगर आप देखें
तो कुछ ऐसी देखने को मिलेगी। यहाँ पर पूरा जो है मड फ्लैप यहाँ पे दिया गया, जिससे कि कभी कभार कीचड़ में चलती है तो इतनी जो है यहाँ पर जो कीचड़ है वो उछल के पीछे को ना आए। ये इसका पूरा एयर फिल्टर रहता है। अब जब बात आती है इंजन की, तो इंजन इसका जो है पीछे यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये इसका स्नॉर्गल है। स्नॉर्गल कुछ इस साइज का यहाँ पर जो है दिया गया है। अब इंजन के पावर आउटपुट की बात करें तो पावर आउटपुट जो है 1.5 लीटर का 3 सिलेंडर वाला इसमें जो है डीजल इंजन दिया गया है, जो कि आपको 70 हॉर्स पावर जो है प्रोड्यूस करके 3300 आरपीएम पे दे देता है। और जो टॉर्क है, टॉर्क आपको जो है इसमें 190 एनएम का 1600 से 2400 आरपीएम के बीच में देखने को मिलेगा। तो ये रहता है इसका पूरा नीचे से इंजन। इंजन जो है इसका जो है कैबिन के अंदर रहता है, फ्रंट में नहीं मिलेगा देखने को। बैटरी कंपार्टमेंट अगर आप देखें तो बैटरी कंपार्टमेंट कुछ आपको यहाँ दिया गया है, जो कि ऐसा रहेगा, यहाँ से जो है इसकी बैटरी रहती है। और इसमें एक और अच्छी चीज़ दे रखी है, जो चेसी है ना, जो बड़े बड़े जो ट्रकों में आता है सिंगल पीस में, वही वाला देखने को मिल रहा है, कहीं भी जॉइंट वाला वेल्डिंग वाला नहीं है। और एक और चीज़ यहाँ पे जो सस्पेंशन है, ये चीज़ जो दे रखी है ना, ये भी इसमें जो है ये इस तरीके से जो है आपके जो है आपको नट वाली जो है आपको ऐसी फिटिंग मिलेगी। बाई चांस कभी कभार जो है ये लोड ज़्यादा होता है, कभी ना कभी कभी जो है अगर ब्रेकडाउन भी होता है ना, तो ये अगर टूट जाता है तो आपको ऐसा नहीं है कि चेसिस आपका पूरा ख़राब हो जाएगा, ऐसा नहीं। ये भी आप जो है चेंज करा सकते हैं। रिविट भी वाला भी फिटिंग आपको इसमें देखने को मिल जाती है। पीछे के आप सस्पेंशन देखेंगे, ये आपको जो है चार दिए गए हैं लगभग, एक नीचे होगा, तो इसकी थिकनेस भी काफ़ी अच्छी खासी मोटी दी गई है। और ये भी देखिए यहाँ पर ये रिविट फिटिंग के साथ में है, तो कभी कभार जो है लोड जाना होने पर ऐसा नहीं है कि पूरा जो है चेसिस के साथ ही ये वेल्डिंग होता है, तो चेसिस के चटकने की दिक्कत ज़्यादा होती है, तो इसमें ऐसा नहीं दिया गया है। तो ये चीज़ है इसमें। पीछे आप देखेंगे तो यहाँ पे दोनों तरफ आपको जो है यहाँ पर मड फ्लैप दे दिया गया है, दोनों तरफ से कीचड़ यहाँ पर नहीं उछलने वाली है। पीछे की टायर की प्रोफाइल भी वही सेम टू सेम रहती है। अब मेन बात आती है इसकी पीछे की लोड बॉडी की, लोड बॉडी का साइज कितना है, क्या जो है इसकी पेलोड कैपेसिटी रहती है, उसकी बात करते हैं फटाफट से। तो इसकी जो है पूरी ओवरऑल लेंथ आपको 9 फिट की मिलती है, 9 फिट की पूरी लेंथ है, और जो इसकी चौड़ाई है 5 फुट 9 इंच की जो है पूरी इसकी चौड़ाई दे रखी है। बाकी आप इसे हाई डेक करवाते हैं तो अच्छा खासा इसकी जो है आपको हाइट बड़ी हुई देखने को मिल जाएगी। अब इसके बाद जब बात करें जो है इसकी पेलोड की, तो पेलोड जो इसका रहता है ना 1425 केजी का, मतलब जो है इसमें आप जो है 14 क्विंटल आराम से ले आ सकते हैं। अब ओवरलोडिंग तो जो है कई बार होती है, मोस्टली तभी जाके जो है इन छोटे जो है पिकअप से अच्छा जो है अर्न कर पाते हैं। तो ओवरलोडिंग भी आप कभी कभार करते हैं तो अच्छा खासा जो है इसमें कर सकते हैं, क्योंकि टायर अच्छे खासे बड़े दिए गए हैं यहाँ पर, और रियर में आपको डिफरेंशियल यहाँ देखने को मिल जाएगा। एक और चीज़, इसका ग्रॉस व्हीकल वेट 2880 केजी का रहता है, तो ये 3000 से ऊपर नहीं जाता है ग्रॉस व्हीकल वेट में, और परमिट की जो है इसमें कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर i4 लेंगे तो उसमें आपको जो है परमिट की ज़रूरत पड़ जाती है। अब जरा रियर सेक्शन की ओर चलें, पूरी डायमेंशन आपको मैंने इसमें जो है बता दी है। रियर से आप देखेंगे तो रियर से कुछ ऐसा जो है इसका पीछे का प्रोफाइल देखने को मिलेगा। पीछे जो है अशोक लेलैंड लिखा हुआ, रिफ्लेक्टर जहां पर आपको दे दिए जाते हैं ये डाला, अगर नीचे करना हो यहां से आप कर सकते हैं। और तीन रिवर्स पार्किंग सेंसर काफ़ी बड़े बड़े यहां पर देखने को मिल जाएंगे। ये हिंदुजा ग्रुप की ओर से जो है अशोक लेलैंड कंपनी रहती है, तो यहां पे हिंदुजा की आपको जो है यहां पे ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। बाकी स्पेयर व्हील यहाँ से है, यहाँ से आसानी से जो है आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पे शॉक एब्जॉर्बर जो है आप ये देख रहे हैं इस तरीके से, दोनों और रेड कलर के दिए गए हैं, जो कि काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो ये i3 से सस्ता है, पेलोड ज़्यादा दे रखा है इसमें, तो आप जो है इसकी ओर भी जा सकते हैं अगर आपको चाहिए एक जो है 9.5 लाख के अंडर बजट में, तो ये आप जो है इसे ले सकते हैं। बाकी उत्तराखंड से हैं तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप। और अगर दोस्तों इसकी वारंटी की मैं बात करता हूँ, तो कंपनी 3 साल 1 लाख किलोमीटर की इसमें वारंटी देती है, और साथ ही साथ जो है सर्विस टाइम इंटरवल जो रहता है वही जो नॉर्मली रहता है जो है 10,000 किलोमीटर का, जिसमें कि आपका कूलेंट लेवल हो गया और जो है इंजन ऑयल हो गया, बाकी जो चीज़ें हैं वियर एंड टेयर जो कि डिस्क ब्रेक, वो सारी जो है चीज़ें वो रहती हैं, वही 10,000 किलोमीटर पर जो है इसकी सर्विस जो है टाइम इंटरवल वो भी सेम टू सेम वही रहता है। इंटीरियर की ओर चलते हैं, इंटीरियर में क्या क्या फीचर्स हैं वो चेक करते हैं फटाफट से। तो डोर ओपनिंग देखेंगे, डोर कुछ इतने ओपन होते हैं इसके, अगर आप देखें इतने वाइड ओपन होंगे। यहाँ से नॉर्मली जो विंडो है नॉर्मल आपको जो है अप एंड डाउन वाली देखने को मिलेंगी। ये बॉटल होल्डर यहाँ पर दिया गया है प्रॉपर,
और बाकी कुछ लगवाना चाहें म्यूजिक स्पीकर ये भी आप जो है यहाँ पे लगवा सकते हैं। मिरर्स आप देखें तो मिरर्स भी काफ़ी बड़े लगे यार मेरे को इसमें, और प्लास्टिक की क्वालिटी ना ये चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, थोड़ी मैट में दे रखी है। डोर हैंडल्स भी आप देखें तो काफ़ी अच्छे जो है फिट एंड फिनिश में लग रहे हैं, तो ऐसे ही आपको हाथ से ही एडजस्ट करना है, हाथ से ही आपको इसे फोल्ड करना पड़ेगा। अब जरा यहाँ पे बैठ के देखते हैं यहाँ से फटाफट से इंटीरियर में। यहाँ पे प्रॉपर डेडिकेटेड जो है यहाँ पर फुट स्टेप दिए गए, बाहर को निकलता हुआ नहीं लगता है, जिससे कि एक साइड से डिज़ाइन का शो भी है वो भी बना रहता है। चाबी आप देखेंगे चाबी कुछ ऐसी देखने को मिलेगी, काफ़ी बड़ी बड़ी चाबी है, दो चाबियाँ मिल जाती हैं। और यहाँ से हेडलाइट की बीम आप एडजस्ट करेंगे, सीटें ये रहती हैं, कुशनिंग काफ़ी हार्ड है, अच्छी खासी यहाँ पर दे रखी है, सीटें काफ़ी चौड़ी हैं। और इसमें एक और चीज़, इसे अगर आप फोल्ड करते हैं ना एकदम पूरा बेड बन जाता है, इस तरफ से आप दो लोग बैठ सकते हैं ड्राइवर के साथ में, और कभी कभार आप जो है थक जाएं लॉन्ग जर्नी पे तो आप इसे जो है आसानी से जो है फोल्ड कर सकते हैं। अभी मैं इसे करके दिखाऊंगा आपको फटाफट से कि कैसे जो है ये फोल्ड होता है। तो दोस्तों ये देख रहे हैं आप सीटों में अगर आपको कहीं थक गए हों लॉन्ग जर्नी पे तो ऐसे जो है आप आराम भी कर सकते हैं, इसमें दोनों सीट जो है इस तरीके से जो है पूरी फोल्ड हो चुकी हैं, फ्लैट हो चुकी हैं, तो ऐसा जो है इसमें आराम भी करा जा सकता है लॉन्ग जर्नी पे कहीं थक गए हों आप, तो ये चीज़ भी काफ़ी अच्छी लगी इसमें। तो अब चलते हैं अंदर बैठते हैं, सीट में आपने देख लिया हुआ कैसे आप जो है इसे फोल्ड कर सकते हैं। अब यहाँ से अंदर बैठे देखो आपको ग्रैब हैंडल प्रॉपर दिया गया है, इससे आप इसे पकड़ के आराम से अंदर जो है ऐसे बैठ पाएंगे। पावर स्टीयरिंग है, ऐसा नहीं है नॉर्मल आपको मैकेनिकल स्टीयरिंग दिया हुआ है, पावर स्टीयरिंग आपको प्रॉपर इसमें मिलेगा। साथ ही साथ ये इसका जो है सीधे डैशबोर्ड में माउंटेड गियर लीवर आपको दे दिया जाता है। 5 स्पीड का जो है मैनुअल ट्रांसमिशन है इसमें। मीटर कंसोल देखे ना, मीटर आपको पूरा ऐसा दिया गया, पूरा डिजिटल में है। यहाँ पे आपको RPM मीटर है, यहाँ पर स्पीडो मीटर, यहाँ पर जितनी भी इंजन मेल फंक्शन लाइट होती है वो दे रखी है यहाँ पे बैटरी का दिया है, और यहाँ पे फ्यूल का हो गया, और साथ ही साथ जो है यहाँ पे आपको जो है ओडोमीटर, ट्रिप भी, ये सारी चीज़ें जो है आपको देखने को यहाँ पे मिल जाती है। स्टीयरिंग कुछ ऐसा है, स्टीयरिंग पे एडजस्टमेंट कुछ नहीं मिलेंगे आपको, नॉर्मल स्टीयरिंग है। ये हेडलैम्प्स के स्टॉक, ये वाइपर के स्टॉक्स, और यहाँ पे ये अभी पी का साइन दे रखा है, तो ये अभी जो है पार्किंग में है, हैंड ब्रेक लगा हुआ है, तो ये चीज़ दिखा रहा है यहाँ पे। ये हैजार्ड लाइट, यहाँ पे कुछ म्यूजिक सिस्टम लगाना वो आप लगवा सकते हैं। एसी वाले में आपको एसी लगा हुआ देखने को मिलेगा, एसी वेंट, सारी कुछ जो है चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। तो चौड़ा काफ़ी अच्छा खासा है, तो वाइड सी आपको जो है यहाँ पर पूरी प्रोफाइल मिल जाती है। विंडस्क्रीन थोड़ी सी टिल्ट टाइप में है, तो थोड़ा सा आपको श्लोपी सा आपको जो है यहाँ पर आपको जो है विंड स्क्रीन का जो है आपको डिज़ाइन मिलता है। ऊपर आपको नॉर्मल IRVM दिया जाता है, एक सनवाइज़र यहीं पर रहेगा बस, एक लैंप यहाँ पर दे रखी है वो भी LED में, तो ऐसा रहता है पूरा। ग्लव बॉक्स आप देखेंगे तो ये आपको जो है की वाला मिल रहा है, इसमें आपके ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स वो हैं वो आप आसानी से जो है इसमें रख पाएंगे। बाकी स्टीयरिंग काफ़ी अच्छा खासा बड़ा सा लगा मेरे को इसमें। बाकी यहाँ पे जो है बैग रखा गया है, और यहाँ से आप जो है सीट आराम से जो है फोल्ड करके जैसा अभी मैंने दिखाया वो आप जो है एक पूरा बेड बना सकते हैं इसे। पीछे आपको जो है सामान कुछ लोड जो है लोड बॉडी में सामान रखा है वो किस तरीके से जा रहा है यहाँ से आप आसानी से देख पाएंगे इसमें। तो ऐसा रहता है पीछे यहाँ पे जो है ये आपका जो है जैक वैक दे रखा है, पूरे टूल दिए गए हैं यहाँ पे, ये इसका ECU रहता है। बाकी यहाँ पर सीट बेल्ट आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये था दोस्तों बड़ा दोस्त i2 जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिला। पेलोड काफ़ी अच्छी जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है, और ख़ासकर जो पीछे का साइज है वो भी जो है 9 फुट का पूरा जो लोड बॉडी है ना वो काफ़ी सही लगी मेरे को इसमें। बाकी टायर प्रोफाइल भी ठीक है, सस्पेंशनों का सेटअप भी वो ठीक ठाक देखने को मिला, लेकिन जो चैसी है ना वो इसमें जो है पूरी एक पीस जो ट्रकों में आती है वो वाली दे रखी है। तो ये था दोस्तों बड़ा दोस्त i2 ब्लू कलर में, बहुत ही अच्छा खासा, जो कि ऐसा कलर नॉर्मली नहीं आता है कॉमर्शियल व्हीकल्स में, और छोटे पिकअप में खासकर ये कलर बहुत रेयरली जो है कंपनी की ओर से देखने को मिलता है। टाटा की ओर से भी काफ़ी अच्छे कलर आ रहे हैं इसमें। तो ये जो है इंट्रा V30 के आसपास जो है कॉम्पीट करता है, और इस प्राइस पे ये पूरा डिज़ाइन आपको इसमें मिलेगा। तो कैसा लगा आपको बड़ा दोस्त i2 ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। बाकी लेना चाहते हैं आप इसे तो नियर बाय जो है उत्तराखंड में है, तो नीचे नंबर दिए गए हैं वहाँ से आप इसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो यही थी दोस्तों आज की वीडियो, मिलते हैं एक और ऐसी नई वीडियो के साथ में।